हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे IBPS PO 2021 का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखो, हर कोई प्रेडिक्ट ही कर सकता है सर कट ऑफ, कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि ये कट ऑफ होगा या ये होगा। सब रेंज में बताते हैं, कोई सी भी साइट पर देख लो आप। तो कभी भी ट्रस्ट मत करना कि कट ऑफ इसके बीच जा सकता है या ये हो सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन पे डिपेंड रहना पूरा, और ट्रस्ट रखना खुद पे। अगर आपको भरोसा है कि आपका हो सकता है तो आपका हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि जो कट ऑफ होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये तीन पॉइंट लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स एंड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट। सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी दो टाइप्स होती है, एक तो सेंट्रल होती है और एक स्टेट वाइज होती है। तो जो क्लर्क में होता है वो स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, PO में सेंट्रल ओवरऑल वैकेंसी होती है, ठीक है। हम PO की बात करते हैं, IBPS PO की। तो अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम जाएगा, और कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कब, जब वैकेंसी कम होगी, है ना। और अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगा। अब ये सारे फैक्टर्स जो है वो सारे मिल के कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कट ऑफ ये होगा, है ना। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स जो होते हैं स्टेट वाइज डिफरेंट होते हैं, सिमिलरली जैसे वैकेंसी के जैसे, है ना। तो नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स अगर ज़्यादा हुए तो जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा, और नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट अगर कम है तो कट ऑफ कम जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी मान लो 2000 है, जैसे IBPS PO की मानते 4000 है, हालांकि बढ़ेगी ये वैकेंसी। तो सपोज़ करो 4000 वैकेंसी है, है ना। तो अगर मान लो बढ़ गई, 1000 बढ़ गई तो 5000 हो गई, 5000 हो गई, 4000 वैकेंसी थी तो कट ऑफ मान लो 50 मार्क्स जाता। और अगर 5000 हो गई तो वैकेंसी कम हो जाएगी और ज़्यादा मेंबर्स उसमें प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स के साथ होता है, अगर नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट कम है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, ठीक है, ये दोनों मिल के, जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है, ये दोनों मिल के, ये जितने भी पॉइंट्स बताऊँगा ये सारे पॉइंट्स मिल के कट ऑफ डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट मतलब कि कौन कितने अटैम्प्ट करके आया। कुछ लोग ज़्यादा करके आएंगे, कुछ लोग कम करके आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद शिफ्ट वाइज भी, कि शिफ्ट कैसी है, इजी है, हार्ड है या फिर मॉडरेट है, है ना। हर शिफ्ट का अलग अलग होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा उस बेसिस पे। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, टफ शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन होकर मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक्यूरेसी के हिसाब से, कि एक्यूरेसी अगर ज़्यादा हुई, ज़्यादा अच्छी हुई, तो आपके मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है एग्ज़ाम एनवायरनमेंट, लाइक इंटरफेस। मान लीजिए किसी सेंटर्स में, किसी स्टेट के सेंटर्स में कुछ इंटरफेस में गड़बड़ी हुई हो, गड़बड़ी इन द सेंस कि मतलब प्रॉपर चल नहीं रहा हो, है ना, या फिर इंटरफेस की वजह से अटैम्प्ट जैसे लास्ट ईयर RRB में कम हुए थे बच्चों के अटैम्प्ट, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी कट ऑफ कम या ज़्यादा हो सकता है। अब हम इस बार की बात करते हैं IBPS PO की। इस बार जो सभी शिफ्ट 4 तारीख और 11 तारीख, दो डेट में एग्ज़ाम हुआ डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, ठीक है। तो सपोज़ करो किसी बच्चे ने 55 मार्क्स किए, और उसकी कट ऑफ, उसका जो वो था शिफ्ट था वो टफ था, लेकिन इसने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, तो इसके मार्क्स बढ़ सकते, बढ़ेंगे 100% बढ़ेंगे इसके मार्क्स, ठीक है, अदर के कंपैरिजन में। तो इसके 65 भी हो सकते हैं। एज़ पर माय नॉलेज, मैंने जहाँ तक सुना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10 मार्क्स तक मैंने प्लस सुना है, कि 10 मार्क्स तक बढ़े हैं किसी के, है ना। अब उसके बाद इस साल की बात करें सारी शिफ्ट मिला के, तो एक अनुमान है कि 65 के समथिंग कट ऑफ जाएगा, 65 से नीचे ही जाएगा,
60 से 65 के बीच में कट ऑफ रेंज करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंसी 4,400 के समथिंग थी और इस बार भी बढ़ के लगभग 5,500 के समथिंग होगी। तो 60 to 65 कट ऑफ जाना चाहिए। पेपर पेपर का लेवल कैसा था ओवरऑल अगर अपन देखें तो मॉडरेट टू टफ था 11th वाली शिफ्ट में, मतलब आज की शिफ्ट में, और 4th वाली शिफ्ट में मॉडरेट था पेपर। तो जो आज वाली शिफ्ट थी 11 तारीख वाली, उसमें उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन देखा जा सकता है। ठीक है, अब ये आप ही अनुमान लगाना कि आपकी शिफ्ट टफ थी या इजी थी। ठीक है, अब मैं एक अनुमान दे देता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 55 है 100% एक्यूरेसी के लिए, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके मार्क्स 60 मार्क्स है विथ 95% एक्यूरेसी, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये कब है? जब आपकी शिफ्ट टफ है। अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो आपके 65 विथ 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 70 मार्क्स है विथ 90% और 95% एक्यूरेसी मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपके 70+ है इन एनी केस, टफ हो, इजी हो, मॉडरेट हो, तो आप और एक्यूरेसी भी लगभग लगभग 90% है, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बट अगर आपके मार्क्स 55 से कम है ना, ऑल दो आपके 100% एक्यूरेसी है, तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर तो करें बट प्री निकालने के ऊपर भी ज़्यादा फोकस रखें। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो मैंने बता दिया आपको 60 से 65 के समथिंग जाना चाहिए, है ना। अब इसमें ऐसा है कि अगर किसी ने 55 मार्क्स अटेम्प्ट किया है और शिफ्ट जो है वो टफ है, तो इसके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे और कट ऑफ के समथिंग में आ जाएंगे। बट कट ऑफ इसके बीच जाना चाहिए, मेरा एक्सपेक्ट अनुमान है कि इसके बीच जाना चाहिए।